शब्द क्या बोलने का, बहुत अच्छा आदमी, हंसाते गया, हंसाता था, हमेशा हंसाते रहा और हम लोग को भी हंसते हुए जाने का सबको वो सिखा के गए। बाकी मोबाइल पे कम देखने का, आंखों में ज्यादा देखने का, नहीं तो कभी फोटो की आंख में देखने को ही मिलेगा, समझा ना, समझ लस ना। मेरा भी जो है, मेरा गांव देवी में हम लोग का स्कूल था, अम्बालाल हमारा क्लासमेट है, उसका ब्रदर इन लॉ है, तो हम लोग ने तो बचपन से देखा, हमारे लिए स्टार है और एक हमारे दिल में स्टार ही रहेगा बाबा। बाकी ज़्यादा कुछ बोले, कोई जाता है तो दिल में दुख तो होता है, सबके होते, परिवार का ज़्यादा होता है, पर उससे अपने को समझना चाहिए कि अपने परिवार को कितना नज़दीक रखने का, कितना अपने आँख, माँ के आँख में देखने का, बच्चे के आँख में देखने का, अपने गर्लफ्रेंड की आँख में देखने का, जो भी है मर आँख में देखने का, समझा ना, फिर बाद में रोने का मतलब नहीं जाने के बाद। तो बस उतना सीख लो, बाकी कुछ ज़्यादा बोलने को नहीं आया मैं यहाँ पे, मैं खाली मेरा दोस्त को मिलने आया अम्बालाल को और इनके परिवार को, मेरा दिल से ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं। चल, जय हिंद जय महाराष्ट्र। ये हमारे बीरबल जी हैं, मनमोजी जी हैं और जुगनू जी के, जुगनू जी के हमारे विजू घोटे साहब बड़े प्यारे इंसान थे, बड़े प्यारे भाई थे, हमारे दोस्त थे और उन्होंने लोगों को बहुत हंसाया, जितना उन्होंने पर्दे पे लोगों को हंसाया उससे ज़्यादा हमको हंसाया, कोई शक नहीं, क्योंकि वो खुश मिजाज थे, हंसने खेलने वाले थे, जॉली आदमी थे, बड़े कम लोग होते हैं, वरना हमारे कॉमेडियन लोग लोगों को हंसाते हैं लेकिन खुद सीरियस रहते बहुत। विजू घोटे साहब ऐसे नहीं थे, रियल लाइफ में भी बड़े ज़बरदस्त कॉमेडियन थे, बड़े ज़बरदस्त कॉमेडियन थे। तो हम विजू घोटे जी को बहुत मिस करेंगे और कौन उन्हें भूल सकता है, शोले का कालिया है ना, शोले का कालिया उसके लिए बजाते हैं तालियां लोग बजाते हैं तालियां। बस हम इतने अच्छे इंसान के लिए यही दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मेरे काफ़ी मराठी फिल्मों में, स्टेज शो में उन्होंने मेरे यहाँ काम किया, जब मैं कुछ नहीं था, स्ट्रगलर था, तब से उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और बहुत हंसाया है। जब भी वो मेरे शूटिंग के लिए पुणे आते थे, बॉम्बे में आते थे, तो हर जगह से कहाँ ना कहाँ से खाने की चीज़ें ढूंढ के लाते थे और उनको ये पता होता था कि गली कोपचे में कहाँ क्या खाने को मिलता है, मतलब इतना वो खाने को बहुत प्यार करते थे और खुद भी खाते थे और दूसरों को भी खिलाते थे। और कभी उन्होंने ये नहीं, मेरे यहाँ पैसे नहीं मांगे कभी उन्होंने कि अरे नहीं नहीं बजट की बात मत कर, पहले तेरा काम हो जाने दो, और हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। जब मेरी खुद की गाड़ी हुई तो मैंने उन्हें वो गाड़ी में बिठाया और बॉम्बे में मैंने उनको घुमाया, तो उनके आँखों में आंसू देख के मुझे भी बहुत खुशी हुई। और एक सच्चा दिल का इंसान, कभी किसी का उन्होंने बुरा नहीं चाहा, हमेशा सबको सपोर्ट किया, नए जनरेशन के आर्टिस्ट को, डायरेक्टर लोगों को हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है। और आज उन पे ये प्रोग्राम करते वक्त मुझे थोड़ा सा दुख भी हो रहा है, लेकिन खुशी भी हुई कि उन्होंने सबको हंसाया और उनके एक प्रेयर मीटिंग में आज हमने यही सोचा था कि ना यहाँ पे दुख जाहिर करने के लिए हम लोग नहीं आए हैं, हम एक गेट टुगेदर जैसे मिलेंगे और यहाँ उनके पसंदीदा जो गायक है उनके गाने यहाँ हमने पेश किए, सब ने उनके बारे में जो यादें हैं वो यहाँ सबके साथ शेयर की। तो मुझे ये बहुत ही क्या श्योरिटी है कि ऊपर से भी वो ये देखते रहेंगे और देख के बहुत खुश हुए रहेंगे कि अरे चलो मेरे ऊपर यहाँ पे एक अच्छा प्रोग्राम हुआ है। विन्निला